हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को भी दबा के रखिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। मैं आपके लिए डेली बेसिस पर प्री मार्केट की वीडियोस और जो भी मुझे स्टॉक्स के पॉजिटिव दिखाई देती है मैं आपके साथ वीडियो बनाता हूं, तो आप उसको जरूर देखिए। और आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिए, कोई कंफ्यूजन या फिर क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिए या फिर डायरेक्ट आप पूछ सकते हो यहाँ पे। सो अब हम आगे बढ़ते हैं कि कल निफ्टी बैंक निफ्टी में किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं और हमने आज के लिए जो प्लानिंग करी थी हम उसका भी एक बार रिव्यू लेंगे। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि आज के लिए हमने प्लानिंग क्या करी थी। हमने प्लानिंग ये करी थी कि अगर मार्केट हमारा फ्लैट खुलेगा और ओपन होने के बाद फिर ऊपर जाएगा और इस रेंज को तोड़ेगा, मतलब 255 के आसपास, लगभग 255 का तो ऊपर का लेवल है। ओके, तो यहाँ पे अगर ऊपर जाएगा हमारा तब हम बाई करेंगे और यहाँ पे देखिए आप ऊपर एकदम क्लियर कट बाई सिग्नल मिला, वहां से आप बाई कर सकते, तो ये आपका टारगेट था। उसके बाद मैंने लाइव मार्केट में भी आपको अपडेट किया था यहाँ पे, चूंकि मैं लाइव मार्केट में आपको अपडेट करता हूँ, चूंकि प्री मार्केट के वीडियोस एक दिन पहले के होते हैं, लाइव मार्केट में कुछ चेंज हो रहा होता है तो उसको हमें थोड़ा सा अपडेट चाहिए होता है, तो वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे देता हूँ। सो टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन करें, इसके लिंक इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। और अगर लिंक ना काम करें तो सिंपली स्टॉकी इन्वेस्ट टेलीग्राम पर सर्च करिएगा, आपको वहां पर मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने आपके साथ एक अपडेट करी कि जो बैंक निफ्टी का लेवल था वो परफेक्ट मैच किया, मैं अभी करता हूँ। उसके बाद बैंक निफ्टी के बाद हम निफ्टी को बाई करेंगे पुल बैक में। तो देखिए दो बार आपको निफ्टी में पुल बैक मिला, एक बार यहाँ पे और दूसरी बार यहाँ पे। अब इसका रीजन क्या था, देखो जो आपकी आज के दिन निफ्टी थी ना वो ज्यादा बुलिश थी बैंक निफ्टी के कंपेरिजन में। ओके, क्यों? क्योंकि अडानी एंटरप्राइजेस आज इसको सपोर्ट कर रहा था और रिलायंस का भी थोड़ा बहुत सपोर्ट था। यहाँ पे देखिए आप रिलायंस का भी थोड़ा बहुत सपोर्ट था, मतलब यहाँ पे शुरू शुरू देख सकते हैं, बाद में जब रिलायंस गिरा उसके बाद फिर रिलायंस ने कवर ले ली, लेकिन जो अडानी एंटरप्राइजेस था वो बुलिश था और इसी के साथ साथ आपके आईटी के पैक्ड जो थे वो बुलिश थे। तो आज जो आपका निफ्टी ऊपर गया है वो आईटी और अडानी एंटरप्राइजेस के सपोर्ट की वजह से ऊपर गया है। यहाँ पे देख सकते हैं टीसीएस देख सकते हैं आप, इन्फोसिस देख सकते हैं आप, और आज आईटी सेक्टर बुलिश। और बाय द वे मैंने आपको आईटी सेक्टर के बारे में बताया है, कल के वीडियो में ही मैंने बता दिया है आपको कि अब आईटी सेक्टर में फोकस करो, ये रहा वीकली एनालिसिस, इसमें आप देखो, नए हो तो जरूर इसको देखो वीकली एनालिसिस में। मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि किस तरीके से कहाँ पे मार्केट कर सकते हो, यहाँ पे परसिस्टेंस का मैंने आपको साइड ट्रेड भी दिया हुआ है। ओके, तो ये सब देखो और इसके लिए अपने बेल आइकन दबा के रखो, नहीं दबाया हुआ है, नहीं नोटिफिकेशन मिला है तो सिंपली आकर के चेक करो कोई नया वीडियो आया हुआ है कि नहीं। तो आईटी सेक्टर आपका बुलिश था, ओके, और एलएनटी भी आपका बुलिश था। तो ये जो हैवी वेट्स हैं ये सब बुलिश थे निफ्टी के, तो निफ्टी के हैवी वेट सभी बुलिश थे, सिर्फ एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी ये दोनों बेरिश थे। ओके, एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक दोनों बेरिश थे, तो इनका जो डाउनफॉल था वो निफ्टी में सेट ऑफ हो गया टीसीएस, इन्फोसिस, एलएनटी और अडानी एंटरप्राइजेस के बुल रैली में। तो ओवरऑल आपका जो निफ्टी था वो बुलिश था, लेकिन बैंक निफ्टी आपका बेरिश था। बैंक निफ्टी इसलिए बेरिश था क्योंकि उसको सपोर्ट करने वाले कोई नहीं थे, उसको सिर्फ नीचे लेके जाने वाले थे जो कि थे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई, और ये सब उसको नीचे लेके जाने वाला ही थे। तो आपका जो बैंक निफ्टी है वो आज के दिन नेगेटिव आपको दिखा। और जो लोग नए हैं जिनको नहीं समझ में आता ये क्या होता है, तो आप ये लिस्ट नोट कर लो। ये देखो मैंने स्टॉक दे रखे हैं, ये सभी स्टॉक्स हैवी वेट हैं, इसका यहाँ तक, यहाँ एलएनटी तक नोट करो। इनमें से जो बैंक निफ्टी का पार्ट है अगर वो सब नेगेटिव रहेंगे तो आपका बैंक निफ्टी भी नेगेटिव रहेगा, इसको नोट करो, क्लियर? चलिए, तो आपका जो बैंक निफ्टी था आज के दिन नेगेटिव था लेकिन निफ्टी आपका बुलिश था। तो निफ्टी का डेटा भी बुलिश था इंट्राडे बेसिस पे और निफ्टी ओवरऑल प्राइस सेक्शन भी बुलिश था, आप यहाँ पे देख सकते हैं कंटिन्यू यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद प्राइस ऊपर गई थी। तो ये बाई द डिप का मार्केट था, यानी जितनी बार बाई करे नीचे जाए उतनी बार बाई करो, और वही चीज मैंने आपको यहाँ पे अपडेट करी थी। ओके, और बैंक निफ्टी का जो लेवल था वो परफेक्ट मैच हुआ, वो एकदम मैच हुआ, कहाँ पे हमारा यही लेवल था, यहाँ पे हम बाई करते जो कि था 850 से लेकर के 815 मिनट के चार्ट पे मैंने दिया था। तो ये यहाँ पे आपका बाइंग का था सिस्टम, ये 850 से लेकर के 800 तक, यहाँ पे आप देखें नीचे आया तुरंत आपका ऊपर गया, कंटिन्यू यहाँ से आपको एक रैली मिली, ये अपसाइड, दूसरा भी आपको ट्रेड मिला होगा यहाँ पे इस वाली जगह पे, आप देख सकते हैं ये नॉर्मल एक यहाँ से ट्रेड। तो सिंपली आप इसको अगर प्रॉपर ट्रेड किए होंगे तो ट्रेड मिला होगा, अदरवाइज आपका जो बैंक निफ्टी में ट्रेड गया होगा वो नेगेटिव था। अगर आपने ट्रेड नेगेटिव साइड किया होगा तो प्रॉफिट होगा, बट अगर आपने पॉजिटिव साइड किया होता ऊपर तो दिक्कत होगी। ओके, बट यहाँ पे एक बैंक निफ्टी में ट्रेड मिला था जो कि एग्जैक्ट था हमारे प्री मार्केट की तरफ से, बाकी उसके बाद कोई ट्रेड यहाँ पे बना नहीं और मैंने आपके साथ अपडेट भी नहीं किया, मैंने सिर्फ बाद में अपडेट करा कि भाई जो दोनों इंडेक्स जो है अब वो वोलेटाइल रहेंगे। तो देखो जब दोनों इंडेक्स वोलेटाइल रहेंगे तो वहाँ पे हम शॉर्ट स्ट्रैडल की स्ट्रेटजी लगा देते हैं, उसके बाद पूरा का पूरा आपका वोलेटाइल ही रहा, ये चीज आप ध्यान दे सकते हो। तो ऐसे अपडेट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे, आप उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। अब हम चलते हैं कल के दिन क्या कर सकते हैं। तो कल के दिन के लिए आपको मेरा फॉर्मेट पता है, मैं सबसे पहले डेटा और चार्ट इन दोनों को डिस्कस करता हूँ। तो डेटा को देख लें अगर ओपन इंटरेस्ट, तो जो लोग नए हैं उनको बता दूं, नए लोग यहाँ पे आकर के ऑप्शन चेंज जरूर देखा करो। ओके,
25 मई की एक्सपायरी जो पीसीआर है 1.1 है, पीसीआर कल 86 था, 0.86 था, आज 1.1 है, मतलब कि बाइंग की पोजीशन क्रिएट की गई है 1.1, मतलब ये बुलिश पीसीआर बताता है। अभी भी बाई द डिप का नहीं होता लेकिन ये बुलिश होता है अल्टीमेटली। ओके, तो यहाँ पे आप अगर देखोगे तो 18,200 कल जो रेजिस्टेंस था आज वो सपोर्ट बन के आ चुका है और आपके पास अब रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है 18,300 और जो अगला रेजिस्टेंस है वो 18,500 है। ओके, तो आपके पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 18,200 का, अगला सपोर्ट है 18,300 का और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 18,500 का। तो मैं 18,200 से लेकर के 18,500 तक की कल की रेंज में काउंट करूंगा। ओके, अब ये तो हो गया रेंज की बात, लेकिन अब अगर मैं देखूं कि कल मुझे ट्रेड किस तरीके से करना है, मुझे आइडिया कैसे लगेगा ऑप्शन चेंज से, तो कल मैं देखूंगा इसमें होने वाले चेंज को। अगर कल 18,300 का कॉल का ओवाई और ज्यादा बढ़ेगा और पुट का ओवाई घटेगा और मार्केट अगर नीचे जाने लगेगा 300 के, तो मैं ये समझूंगा कि आपका मार्केट और नीचे जा सकता है। लेकिन अगर कल मार्केट 18,300 के ऊपर रहे और ऊपर जाने का प्रयास करे, उस केस में 18,300 का कॉल का ओवाई घटे और पुट का ओवाई बढ़े, तो मैं ये समझूंगा कि मार्केट और ऊपर जा सकता है। सिंपली मैं ये देखूंगा कल कॉल बढ़ रहा है कि पुट बढ़ रहा है और कॉल घट रहा है कि पुट घट रहा है। ओके, तो मैं उस हिसाब से अपना ट्रेड करूंगा। ये हमारा सेटअप है। पीसीआर अभी भी बुलिश है। अब हम आगे बढ़ते हैं, चार्ट को देख लेते हैं, निफ्टी को। तो निफ्टी को चार्ट को अगर हम देखें तो ये देखिए, मैंने आपसे ये भी बताया था कि ये जो एरिया होगा रेजिस्टेंस का ही एरिया रहेगा, तो लगभग थोड़ा सा बहुत ऊपर जा करके और उसके बाद वहां पे सस्टेन नहीं कर सका। अब आप अगर देखो तो यहाँ पे डबल टॉप का फॉर्मेशन भी बना है। तो डबल टॉप के बेस पे सेलिंग कब होगी? डबल टॉप के बेस पे सेलिंग तब होगी जब मार्केट इसके नीचे जाएगा, 15 मिनट की कैंडल क्लोज करेगा, तब हम शॉर्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं। तो डबल टॉप की अगर सेलिंग होगी तो वो होगी इसके नीचे जो कि है आपका सीधे सीधे 18,250। सो 18,250 के नीचे अगर मार्केट जाएगा तो हम शॉर्ट करेंगे, उसके पहले शॉर्ट नहीं करेंगे। हम बाई कहाँ पे करेंगे? तो हम बाई जो करेंगे, हम सीधे सीधे इसके ऊपर निकलने पर ही कल बाई करेंगे, जो कि हमारा है 18,326 या 325 ले लो, 320, 18,320 के अगर ऊपर मार्केट निकलेगा तो हम बाई करेंगे और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा ये होगा सीधे सीधे 280 का और टारगेट हमारा सीधे सीधे हो जाएगा 440-450 का ऊपर की तरफ। तो ये हम इसके ऊपर निकलने पे बाई करेंगे, इसके नीचे निकलने पे सेल करेंगे, इसके बीच मार्केट आपका वोलेटाइल रहेगा तो कोई ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। निफ्टी में ये फिलहाल सेटअप दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का डेटा देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में आपके पास जो रेजिस्टेंस है वो है 44,000 का और मार्केट आपका जो बैठा है वो 43,800 के पास बैठा है, लगभग 180 पॉइंट दूर है आपका रेजिस्टेंस। तो और सपोर्ट भी उसी जगह पे है। तो कल हम ये देखेंगे कि मार्केट अगर ऊपर जाने लगे और 44,000 का कॉल का ओवाई कम होने लगे, ओके, और अगर मार्केट अगर ऊपर जाने लगे और 44,000 का कॉल का ओवाई कम होने लगे तो हम ये समझेंगे, लेकिन उसके साथ पुट का ओवाई भी देखना है। पुट का ओवाई अगर बढ़ेगा तो हम ये समझेंगे मार्केट ऊपर जा सकता है, लेकिन अगर कल मार्केट नीचे जाने लगे और उस केस में कॉल का ओवाई और बढ़े, पुट का ओवाई घटे, जो कि है 43,900 का, 43,800 का, 43,800 का भी अगर कॉल का ओवाई बढ़े और पुट का ओवाई घटे, तो हम ये समझेंगे मार्केट हमारा और नीचे जा सकता है। पीसीआर इशारा कर रहा है मार्केट आपका वोलेटाइल है, तो ये नो ट्रेडिंग जोन में है अभी के लिए बैंक निफ्टी में। अगर आप चाहते हो तो बैंक निफ्टी में आप कोई स्ट्रैडल, शॉर्ट स्ट्रैडल ये सब कर सकते हो, लेकिन आप उसके साथ स्टॉप लॉस के साथ भी ट्रेड करेगा, अदरवाइज वो रिस्की हो जाएगा। नॉर्मल केस में क्या है कि आप छोटे छोटे टारगेट्स के साथ अगर ट्रेड करते हो, प्राइस एक्शन को सपोर्ट रेजिस्टेंस पे आप अगर कैप्चर कर लेते हो तो अच्छी बात है, और अगर नहीं कर लेते तो फिलहाल बैंक निफ्टी में आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए, जो डेटा सजेस्ट कर रहा है। ओके, और अब हम कॉल को देख लेते हैं। बट एक अपडेट है, जैसा कि मैंने कहा कि आप प्राइस एक्शन को अगर कैप्चर कर लोगे तो ये सब चीजें आपको सीखनी है, तो हर महीने मेरी नई बैचेस चलती रहती है, उसके लिए आप ये वीडियो देखिएगा होम पे आकर के, पहला वीडियो जो है। हर महीने मेरी नई बैचेस चलती रहती हैं, अगली बैच जो है वो 20 जून से चालू होगी, उसके लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं, पूरा उसमें इन्फॉर्मेशन दे रखी है, और आपको अगर सही लगे तो आप उसको ज्वाइन करिएगा। कोई अगर कन्फ्यूजन है स्टॉक मार्केट के कोर्स के बारे में, अपने कोर्स के बारे में, तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और अगर कन्फ्यूजन नहीं है तो ज्वाइन करिए, काफी कुछ लर्निंग आपको मिलेगी, काफी बेनिफिट्स हैं, आप ये वीडियो देख करके समझ सकते हो। अब चलते हैं बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का मैं आपको 15 मिनट का ही चार्ट आपको दिखाना चाहूंगा। देखो, अब 15 मिनट का चार्ट अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये एक रेंज में फाइनल काउंट कर लेता हूं, ये एक आपकी रेंज है, ये एक आपकी रेंज है, ये एक आपकी दूसरी रेंज है, और ये एक आपकी तीसरी रेंज है। जो बैंक निफ्टी है ना, इसी में वो दम तोड़ेगा, सिंपली इसी में पूरा अपना वो दम तोड़ेगा। जब तक ये नहीं क्रॉस करेगा तब तक इसके पास नहीं आएगा, जब तक ये नहीं क्रॉस करेगा तब तक इसके पास नहीं जाएगा, और जब तक ये क्रॉस नहीं करेगा तब तक फिर और फर्दर बेरिस, और जब तक ये क्रॉस नहीं करेगा तब तक और फर्दर बुलिस हम नहीं सोच सकते। हमें फिलहाल इसी के अंदर ट्रेड करना होगा।
तो ये लेवल्स कहाँ के हैं, 44,000 ऊपर की तरफ 30 रुपए और नीचे की तरफ 43,670 या 700 मान सकते हो। हम क्या करेंगे, हम फाइनल रेंज इसको अपना मान करके, इसको फाइनल रेंज मान करके हम एक स्ट्रेडल की स्ट्रेटजी अपना देंगे, शॉर्ट स्ट्रेडल की। अगर हमें कल मार्केट फ्लैट खुल गया तो हम शॉर्ट स्ट्रेडल की स्ट्रेटजी को अपना देंगे और हम उस हिसाब से ट्रेड करेंगे। लेकिन वो जो स्ट्रेटजी आप बनाओगे, अगली एक्सपायरी बनाओगे, मंथली एक्सपायरी में नहीं बनाना है, क्योंकि मंथली एक्सपायरी में आपको जो वेगा है वो आपको परेशान कर देगी। तो सिंपली अगली एक्सपायरी जो कि आपकी है 1 जून, 1 जून वाली एक्सपायरी में आप बनाओगे। ओके, ये चीज आप याद रखो। अब फिलहाल ये तो स्ट्रेटजी का पार्ट हो गया, लेकिन अगर मैं बोलूं लेवल्स के बेस पे, तो लेवल्स के लिए मैं 5 मिनट में चलता हूं। लेवल्स आपको निकल के आ रहे हैं बहुत ही अच्छे खासे। एक आपका ये बाइंग का लेवल है और एक ये आपका सेलिंग का लेवल है। ओके, अब ये देखो, इसको नोट कर लो, थोड़ा आप लोग इसको नोट कर लिया करो और लेवल्स के साथ ही रहा करो, प्लस टेलीग्राम पे अपडेट भी देखते रहा करो कि कोई अपडेट है क्या। अगर मार्केट आपका फ्लैट ओपन हुआ और यहाँ पे आया, यहाँ से कोई बाइंग का रिवर्सल मिला तो आप बाई करोगे और आपका टारगेट ऊपर की तरफ 100 पॉइंट का, बहुत ज्यादा नहीं, 100 पॉइंट का टारगेट लो, इसका स्टॉप लॉस। और अगर मार्केट फ्लैट खुला यहाँ पे गया तो यहाँ पे कोई सेलिंग का रिवर्सल देख करके आप सेल करोगे, इसका हाई आपका स्टॉप लॉस और टारगेट आपका नीचे की तरफ 100 पॉइंट। ये पहला ट्रेड। दूसरा ट्रेड, अगर इसके ऊपर मार्केट निकला, अभी इसके ऊपर कैसे, एक साथ जैसे खुला और तभी गया, तब मतलब शुरू के 11 बजे के पहले अगर यहाँ पे चला गया या फिर यहाँ पे चला गया तभी, अदरवाइज अगर ये आराम से हौले हौले थोड़ा बहुत जाता है तब आप इसको जो है नहीं करोगे। अगर ये 12 बजे के बाद इस लेवल के पास पहुंचता है तो आप बाई नहीं करोगे, सॉरी तब आप सेल नहीं करोगे। अगर 12 बजे के बाद ये यहाँ पे पहुंचता है तब आप शॉर्ट नहीं करोगे, लिख लो नोट करके। इसके बाद आप इस लेवल के टूटने का वेट करोगे और जब ये टूटेगा तो आप बाई करोगे, जो कि 43,975। ओके, तो इसके ऊपर आप बाई करने का प्लान करोगे। अगर 11 बजे के पहले इसके पास, 11 से 12 तक कुछ नहीं करना है, 12 बजे के बाद अगर यहाँ पे पहुंचता है तो कुछ नहीं करना है, इस पे भी कुछ नहीं करना है। 12 बजे के बाद ये लेवल टूटेगा तो बाई करना है, इसके बाद भी ये टूटेगा तो सेल करना है, लेकिन उसके बीच में यहाँ पे आपको सिर्फ यहाँ पे बाई और यहाँ पे सेल करना है। सेलिंग के रिवर्सल देखेंगे तब, वो भी 11 बजे के पहले अगर हो गया तब, सिंपली। अदरवाइज शांति से बैठे रहो, मैं ट्रेड आपको दूंगा, आप उसको देख सकते हो यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे, तो आप ज्वाइन रहिएगा और उसको अपडेट मिलती रहेगी। अभी के लिए इतना ही, ये एनालिसिस है, और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू एंड विशिंग ऑल द बेस्ट।